नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। BCECEB ने एडमिशन शेड्यूल में किया बदलाव, आवंटन पत्र अब 15 नवंबर को होगा जारी, 16 से 18 नवंबर तक एडमिशन। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन, 16,000 से ज्यादा शिक्षकों ने किया आवेदन, जनवरी में शिक्षकों को मिलेगा नया विद्यालय। फिल्मकारों के लिए बिहार में लोकेशन उपलब्ध, राज्य भर में फिल्म शूटिंग की इजाजत, बिहार में शूटिंग लोकेशनों के लिए शुल्क। छठ के बाद पटना से फ्लाइट महंगी, दिल्ली के लिए अधिकतम किराया 30,000, दिल्ली से पटना के लिए किराया 4,300। संजू की तूफानी पारी से भारत की जीत, कप्तान सूर्या संजू की बल्लेबाजी के हुए मुरीद, भारत की साउथ अफ्रीका पर 61 रन से जीत। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BCECEB ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के सेकेंड राउंड एडमिशन शेड्यूल में बदलाव किया है। अब एडमिशन 16 से 18 नवंबर के बीच होंगे, जबकि पहले यह 11 से 13 नवंबर के लिए निर्धारित था। आवंटित पत्र अब 15 नवंबर को जारी होगा, जो पहले 5 नवंबर को जारी होना था। इस सेकेंड राउंड एडमिशन प्रक्रिया के तहत फार्मेसी, कृषि, MBA, MCA सहित कई अन्य प्रमुख कोषों में प्रवेश दिया जाएगा। यह बदलाव छात्रों को अधिक समय और सुविधा देने के लिए किया गया है, ताकि वे सही कोर्स और कॉलेज का चयन कर सके। शेड्यूल में बदलाव से छात्रों को दस्तावेज तैयार करने और तकनीकी समस्याओं से राहत मिलेगी। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष कदम उठाए हैं। पटना जंक्शन से 10, दानापुर से 13 और राजेंद्र नगर से 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। पटना जंक्शन से नई दिल्ली, उधना, हावड़ा, पुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों के लिए ट्रेनों का संचालन होगा, जबकि दानापुर से पुणे, बैंगलोर, जबलपुर जैसी जगहों के लिए ट्रेनें चलेंगी। बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने यात्रियों की सुविधा के होल्डिंग एरिया, सुरक्षा और ट्रेन संचालन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले एक बार IRCTC के आधिकारिक ऐप पर जाकर ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक कर लें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने PhD दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क ₹1,000 है। इग्नू इस बार 25 से अधिक विषयों में 349 सीटों पर PhD एडमिशन देगा। चयन प्रक्रिया में 70% UGC नेट स्कोर और 30% इंटरव्यू स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उपलब्ध सीटों में मनोविज्ञान में 21, कंप्यूटर साइंस में 15, बायोकेमिस्ट्री 10, फिजिक्स 4, जियोग्राफी 15, इंटर डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़ में 16, रूरल डेवलपमेंट में 3, सोशल वर्क में 12, लाइफ साइंस में 20, एजुकेशन में 26, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में 8, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 6, डिस्टेंस एजुकेशन में 19 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट में 23, न्यूट्रिशनल साइंस में 6, फाइन आर्ट में 2, थिएटर आर्ट में 8 और डांस में 5 सीटें उपलब्ध हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए अब तक 16,000 से अधिक शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनकी अंतिम तिथि 22 नवंबर है। यह आवेदन नियमित शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों के लिए है। स्थानांतरण दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में वरीयता के आधार पर किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने को कहा गया है। आवेदन प्रक्रिया की निगरानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की जा रही है। आवंटन रेंडमाइजेशन के जरिए किया जाएगा, जिसमें विद्यालय की रिक्ति के आधार पर विकल्पों का चयन होगा। जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षकों को अपने नए विद्यालय में योगदान देना होगा। बिहार सरकार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई है, जिसके तहत निर्माताओं को राज्य भर में विभिन्न लोकेशनों पर फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें वन क्षेत्र, नदी तालाब, ऐतिहासिक स्थल, सरकारी इमारतें और टूरिस्ट स्पॉट शामिल है। इसके बदले निर्माताओं से शुल्क लिया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम ने सभी जिलों से शूटिंग लोकेशनों की रिपोर्ट मांगी है, जो वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, ताकि फिल्मकार अपनी आवश्यकता के अनुसार लोकेशन बुक कर सके। बीते 4 अक्टूबर को ऐसी परिसंपत्तियों की सूची बनाने का निर्देश मिला था। इसके तहत मौजूद इमारतों और अन्य स्थलों की जानकारी जुटाई जा रही है, फिर सूची बनाकर मुख्यालय भेजी जाएगी।
दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार की राजधानी पटना से उड़ान भरने वाले विमानों के किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। पटना से मुंबई और दिल्ली रूट पर किराया 30,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। 9 नवंबर को दिल्ली रूट पर न्यूनतम किराया 15,000 रुपए और अधिकतम 30,200 रुपए था, जो अब तक का सबसे महंगा किराया है। विशेषज्ञों का कहना है कि छठ पूजा के बाद काम पर लौटने वालों की भीड़ के कारण किरायों में यह उछाल आया है। वहीं दिल्ली से पटना जाने वाले विमानों का किराया कम हुआ है, जिसमें अब न्यूनतम 4,300 रुपये दिखाया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में दीपावली और छठ पूजा के बाद परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है। 11 नवंबर से कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और 16 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र 17 से 20 नवंबर तक लेट फाइन के साथ फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन 20 नवंबर तक होगा। मुख्य परीक्षाओं की तिथि नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में हो सकती है। छात्रों को समय पर तैयारी करने की सलाह दी गई है। परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। बिहार में छठ पूजा के दौरान विभिन्न जिलों में डूबने से 61 लोगों की जान चली गई है। सबसे अधिक समस्तीपुर में 10 और पटना में 7 लोगों की जान गई है। अन्य जिलों में भी कई घटनाएं घटी हैं, जैसे छपरा, भोजपुर, नालंदा में 2-2, गया में 3, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में 1-1 और रोहतास में 6 लोगों के डूबने से जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में 24 लोग डूब गए हैं। मरने वालों में कई बच्चे और किशोर भी शामिल थे। नवंबर और दिसंबर में बीपीएससी की कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट घोषित होने की संभावना है, जिनमें 69वीं परीक्षा, कृषि पदाधिकारी, न्यायिक सेवा और अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट शामिल हैं। खासकर TRE3 का रिजल्ट शिक्षा विभाग से रोस्टर मिलने के बाद जारी होगा। इसके अलावा बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 483,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी। परीक्षा 13 दिसंबर को संभावित है। पिछली बार के मुकाबले इस बार आवेदकों की संख्या में 1,15,000 की वृद्धि देखी गई है। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और कुल 34 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा लगातार घट रहा है। उत्तर बिहार के बाद अब दक्षिण बिहार को नक्सल मुक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत झारखंड सीमा पर 11 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाएंगे और 55 पहाड़ी व जंगली इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। पिछले 6 सालों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आधी होकर 16 से 8 हो गई है। प्रमुख नक्सल प्रभावित इलाके जैसे औरंगाबाद और जमुई, लखीसराय, मुंगेर में नए सुरक्षा कैंप स्थापित होंगे। इसके साथ ही 250 स्थानों पर 4G अपग्रेडेशन के माध्यम से संचार गुणवत्ता सुधारने का कार्य भी शुरू होगा। नक्सलियों के खिलाफ आसूचना संकलन में भी सुधार लाया जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने गया जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें अद्भुत इंसान बताते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं राजद ने एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें तेजस्वी यादव को 2025 का सत्ताधीश बताया गया है। पोस्टर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर पलटवार करते हुए लिखा गया कि हम तो A to Z हैं, न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में 9 और 10 नवंबर को रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में प्रचार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार 9 नवंबर को मुख्यमंत्री रामगढ़ और तरारी में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा भी होंगे। बेलागंज में जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी का मुकाबला सुरेंद्र यादव के बेटे से है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव मैदान में है, जबकि रामगढ़ और तरारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार शामिल हैं। जनसुराज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता चुना है, जिसे लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बिहार की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था और गरीबी को दूर करने के लिए एक संकल्प है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू नीतीश के 35 साल के शासन में शिक्षा को नष्ट कर दिया गया और बच्चों की पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर मजदूरी का बोझ चढ़ा दिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि स्कूल का बस्ता रोजगार और विकास का रास्ता है। इसके तहत बिहार में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने दावा किया कि बिहार के 4 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन की
जीत होगी और यह डबल इंजन सरकार के खिलाफ मिनी जनादेश आएगा। पटना में बीते दिन उन्होंने भूमि सर्वे, स्मार्ट मीटर और बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा और कहा कि लोग इन मुद्दों पर वोट करेंगे। 11 नवंबर को तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ तरारी में जनसभा होगी। भट्टाचार्य ने उपचुनाव को 2025 के विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। डरबन में खेले गए पहले T20 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से हराया। इस मैच में संजू सैमसन ने 50 गेंदों पर 107 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी धमाकेदार पारी में 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जितनी मेहनत की है, काम किया है, वह उसी का फल खा रहे हैं। जब वह 90 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भी बाउंड्री लगाने का प्रयास कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वह अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेल रहे थे। यह उनके कैरेक्टर को दर्शाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है कुश कुमार यादव, मोहम्मद शाकिर हुसैन, कामेश्वर सिंह, प्रमिला कुमारी, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी जगह है जहां फिल्म की शूटिंग की जा सकती है? कृपया अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।